नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा, और आज हम बात करेंगे कि जहांगीर तरीन की तहरीके इंसाफ में एंट्री का मामला क्या है। इस हवाले से जो पैगामात पहुंचाए गए, इन पैगामात के पीछे असल कहानी क्या है, इन पैगामात के बाद किस नौयत की बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, जहांगीर तरीन ने लंदन से क्या बड़ा ऐलान किया है, इस ऐलान पर मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का क्या रद्द अमल है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को एक ख़ास शख्सियत ने क्या पैगाम पहुंचाया, इस पैगाम का जनूबी पंजाब की सियासत से क्या ताल्लुक़ है, और इसी पैगाम पर प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने किस नौयत के फ़ैसले किए। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी जहांगीर तरीन की तहरीक इंसाफ में एंट्री का मामला क्या है और लंदन से जहांगीर खान तरीन ने क्या बड़ा ऐलान किया। सबसे पहले आपको जहांगीर तरीन और एक ताकतवर शख्सियत के मुतल्लिक एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं, और इस वाक़े से आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि जहांगीर तरीन असल में वज़ीर आज़म इमरान खान से और तहरीक इंसाफ से कैसे दूर हुए, और अब इसी पूरी सूरत हाल में क्या सनसनी खेज़ मोड़ आया है। तो मामला ये है कि जहांगीर तरीन ने एक बड़ी ख़ास किस्म की फ़ाइल वज़ीर आज़म ऑफिस भिजवाई थी, और ये फ़ाइल एक ऐसे वक्त में जहांगीर तरीन की जानिब से भिजवाई गई जब गैर रस्मी तौर पर उन्हें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत ज़्यादा अख्तियारात दे रखे थे, और ये जो अख्तियारात थे ये उन्हें उनकी पार्टी के लिए जो खिदमात थी, और इसके साथ साथ शोबा ज़रात में जो उनकी महारत थी उस महारत की बुनियाद पर दिए गए थे, और उसके बाद इस फाइल के मुतल्लिक एक अजीब और पुरसरार मामला सामने आया, यानी वो फाइल जो उन्होंने वज़ीर आज़म ऑफिस में भिजवाई थी। और वो मामला ये था कि ये फ़ाइल वज़ीर आज़म ऑफिस में रोक ली गई, और जहांगीर तरीन के लिए ये एक बहुत ही हैरानकुन बात थी। वो बहुत हैरान हुए क्योंकि वो तो वज़ीर आज़म इमरान खान के बहुत करीब थे, एक तरह से डिफेक्टो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, इसलिए उन्हें इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था। और इससे पहले जहांगीर तरीन जिस किस्म की फ़ाइल्स भी वज़ीर आज़म ऑफिस भिजवाते थे वो मंजूर हो जाती थी, लेकिन उनकी ये जो मखसूस फ़ाइल थी इसको रोक लिया गया। और जहांगीर तरीन को जब पता चला बाद में कि ये किस वजह से फ़ाइल रुकी, तो उस पर वो बहुत जिच भी हुए, और उसकी वजह ये थी कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान के बहुत करीबी और वो बहुत ही बाएतमाद साथी थे, और उनको ये भी मालूम था कि उनकी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि जहांगीर तरीन ने अपने ज़राए से ये मालूम करने की कोशिश की कि उनकी भेजी गई फ़ाइल असल में कैसे रुकी और किसने रोकी। उन्होंने ये मालूमात हासिल करने के लिए एक ख़ास तरीका इस्तेमाल किया, और वो तरीका ये था कि उन्होंने पीटीआई के अंदर जो अपनी उनकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी थी वज़रा की, उसको इस्तेमाल किया। इस लॉबी को उन्होंने एक ज़िम्मेदारी सौंपी, और वो ज़िम्मेदारी ये थी कि आप ज़रा पता कराएं कि ये फ़ाइल किस मरहले में है और किस मरहले पर इसको रोका गया, और इस फ़ाइल को रोकने की असल वजह क्या थी। अब वज़रा की इस लॉबी ने अपने तौर पर तहकीकात की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और पता ये चलाया कि ये जो उनकी फ़ाइल है ये एक हैरानकुन वजह के बायस रुकी है, और ये जो इंकशाफ था जहांगीर तरीन पर आप कह सकते हैं कि बिजली बन कर गिरा, और वो इंकशाफ ये था कि ये फ़ाइल असल में एक ताकतवर शख्सियत की जानिब से रुकवाई गई है, और जहांगीर तरीन को इस मामले पर उस वक्त बहुत गु़स्सा भी आया, और उसके बाद उन्होंने इसी ताकतवर शख्सियत के ख़िलाफ़ एक मंसूबा बना लिया, क्योंकि उनको ये लगता था कि जिस तरह का पार्टी के अंदर उनका मकाम था, जिस तरह से वो वज़ीर आज़म इमरान खान के करीब थे, जिस तरह से उन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने के लिए आज़ाद उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया, तो उसके बाद ये उनके लिए बहुत इंसल्टिंग था, बहुत हद तक आमेज़ था कि उनकी जानिब से भेजी गई फ़ाइल को इस तरह से वज़ीर आज़म ऑफिस में रोक लिया जाए। इसलिए उन्होंने मंसूबा ये बनाया कि किसी तरीके से इस ताकतवर शख्सियत को उसके ओहदे से हटवाया जाए।
अब इस मामले पर पहले तो जहांगीर तरीन ने जो अपना होमवर्क था वो मुकम्मल किया, यानी पीटीआई के अंदर जो उनके हमायती वज़रा थे उन वज़रा को एतमाद में लिया और फिर उन्हें कहा कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने इस ताकतवर शख्सियत के ख़िलाफ़ लॉबिंग शुरू करें। इस तरह इन वज़रा ने इस शख्सियत के ख़िलाफ़ लॉबिंग शुरू कर दी और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़ुद जहांगीर तरीन ने भी ये मशवरा दिया कि इस ताकतवर शख्सियत को उसके ओहदे से हटा दिया जाए। और जहांगीर तरीन उस वक्त बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे और बहुत ज़्यादा उनको एतमाद था, बहुत ज़्यादा यकीन था कि इमरान खान उनके इस मशवरे पर ज़रूर अमल करेंगे। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहांगीर तरीन का ये मशवरा नज़रअंदाज कर दिया और उसके बाद जहांगीर तरीन ने इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर कायल करने की कोशिश की कि आप इस शख्सियत को इसके ओहदे से हटाएं और बार बार इसरार किया, लेकिन इमरान खान ने इस इसरार के बावजूद जहांगीर तरीन की बात मानने से इनकार कर दिया। अब इसी दौरान ये जो पूरा मामला था ये एक और ड्रामाई मोड़ अख्तियार कर गया और वो इस तरह कि इस ताकतवर शख्सियत को पता चल गया कि जहांगीर तरीन ने असल में इनको हटवाने का एक मंसूबा बनाया है। इस शख्सियत को ये भी पता चल गया कि जहांगीर तरीन ने किस तरह इस शख्सियत के ख़िलाफ़ लॉबिंग की और यूं जहांगीर तरीन और इस शख्सियत के दरमियान शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए। जहांगीर तरीन इस शख्सियत को हटवाने में इसलिए भी नाकाम रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस शख्सियत पर बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं। ये शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिसके मुतल्लिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान समझते हैं कि वो बहुत दयानतदार है, बहुत प्रोफेशनल है और इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो वज़रा हैं वो भी इस शख्सियत के ख़िलाफ़ कभी भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कन्विंस नहीं कर सके कि इसके इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए या इनको अपने ओहदे से हटाया जाए। आप ये कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बाद सबसे ताकतवर शख्सियत यही हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मियां नवाज शरीफ के दौर में फवाद हसन फवाद जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो मियां नवाज शरीफ के बाद सबसे ताकतवर शख्सियत थे और वो इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बाख्तियार थे और मियां नवाज शरीफ उन पर इतना ज़्यादा एतमाद करते थे कि कैप्टन सफदर ने अवामी मकामात पर फवाद हसन फवाद के ख़िलाफ़ तकरीरें कं, उसके बाद पार्लियामेंट के फोरम पर खड़े होकर फवाद हसन फवाद के ख़िलाफ़ तकरीरें कं, उनको हटवाने की कोशिश की, कई मरतबा मुख्तलिफ फाइल्स के लिए सिफारिशें डलवाईं, लेकिन उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ ने फवाद हसन फवाद को उनके ओहदे से नहीं हटाया और कैप्टन सफदर को भी इनडायरेक्टली एक शटअप कॉल दी। तो जिस तरह से फवाद हसन फवाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मियां नवाज शरीफ के, इसी तरह इस वक्त जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, ये एक आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे ताकतवर शख्सियत हैं। इनके साथ इख्तलाफ हुआ था जहांगीर तरीन का, इन्होंने जहांगीर तरीन की फाइल्स रोकना शुरू की थी और जहांगीर तरीन ने उसके बाद खुलेआम ये इल्ज़ाम लगाया कि उनके ख़िलाफ़ जो शुगर स्कैंडल आया उसके मास्टरमाइंड आज़म खान थे और इसी पूरे मामले में एक और किरदार के मुतल्लिक भी बात की और जहांगीर तरीन ने एक और किरदार पर जो इल्ज़ाम लगाया वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहतसाब की जिम्मेदारी सौंपी थी और ये कहा था कि जो हमारा नारा है एहतसाब के मुतल्लिक और हमारी जो एहतसाब की ड्राइव है इस ड्राइव को आपने आगे लेकर चलना है, यानी शहजाद अकबर। लेकिन जहांगीर तरीन ये समझते हैं कि शहजाद अकबर और आज़म खान ये दोनों उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा थे और यहाँ बहुत अहम बात यह है कि इससे पहले फिरदौस आशिक आवान और तानिया एद्रूस की जो छुट्टी हुई थी, ख़ास तौर पर फिरदौस आशिक आवान की, वो भी आज़म खान की वजह से हुई थी और आज़म खान और शहजाद अकबर ने उनसे इस्तीफ़ा लिया था। तानिया एद्रूस से भी फिरदौस आशिक आवान की तरह शहजाद अकबर और आज़म खान ने ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बुलाकर उनसे इस्तीफ़ा लिया था। बहरहाल अब बात करते हैं कि जहांगीर तरीन की तहरीक इंसाफ में दोबारा एंट्री की कहानी क्या है और साथ ही आपको मुख्तसरन ये भी बताते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर अब भी जहांगीर तरीन की जो मुखालिफ लॉबी है उसके अरकान कौन कौन है। यानी एक तरफ तो आज़म खान
उनकी तो नापसंदीदगी अब भी मौजूद है जहांगीर तरीन के लिए। जहांगीर तरीन अब भी समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को उनसे दूर करने में जो सबसे अहम किरदार अदा किया वो आज़म खान ने किया, दूसरा सबसे अहम किरदार शहजाद अकबर का था। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अरकान ऐसे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर और वफाकी काबीना के अंदर जिनके मुतल्लिक ये एक गहरा तासुर मौजूद है कि ये जहांगीर तरीन की लॉबी के ख़िलाफ़ हैं और जहांगीर तरीन को वज़ीर आज़म इमरान खान से दूर करने में इन्होंने भी बहुत अहम किरदार अदा किया। अब इस लॉबी में एक तो असद उमर भी शामिल हैं, इसी तरह शाह महमूद कुरैशी वो भी इसी लॉबी में शामिल हैं, अली जैदी, शहजाद अकबर और परवेज़ खटक, ये जो पाँच रहनुमा हैं इनके मुतल्लिक बताया जाता है ख़ुद तहरीक इंसाफ के जो इंसाइडर्स हैं कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बहुत ज़्यादा जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो है उकसाया और जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ पूरा एक जो जहन साजी प्राइम मिनिस्टर की थी वो इन पांच रहनुमाओं की जानिब से की गई। इसके अलावा जुल्फी बुखारी जो प्राइम मिनिस्टर के मुआवने खसूसी थे वो भी इसी लॉबी का हिस्सा थे और एक वक्त तो ऐसा था कि जुल्फी बुखारी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इतने करीब हो चुके थे जितने किसी वक्त में जहांगीर तरीन भी थे और आप ये कह सकते हैं कि जहांगीर तरीन की अमली तौर पर उन्होंने जगह ले ली थी। लेकिन बाद में एक मुबैना स्कैंडल में जब उनका नाम आया तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शफाफियत को बरकरार रखने के लिए और शफाफियत का तासुर बरकरार रखने के लिए मेरिट पर फैसला किया और जुल्फी बुखारी से इस्तीफ़ा ले लिया था और अब जुल्फी बुखारी प्राइम मिनिस्टर के कोई इतने करीब नहीं समझे जाते। दूसरी जानिब फवाद चौधरी और मुराद सईद ये दो वज़रा ऐसे हैं जो कि जहांगीर तरीन ग्रुप के वज़रा समझे जाते थे, जहांगीर तरीन ग्रुप की लॉबी के बड़े फाल अरकान थे और ये अब भी जहांगीर तरीन के भरपूर हमायती हैं। लेकिन जाहिर है कि जहांगीर तरीन की जो मुखालिफ लॉबी है वो पार्टी के अंदर इतनी मजबूत हो चुकी थी कि जहांगीर तरीन की जो हामी लॉबी है यानी फवाद चौधरी हो गए, मुराद सईद हो गए, इनका बस नहीं चलता था कि ये जहांगीर तरीन को पार्टी के अंदर किसी भी तरह से वापस ला सकें। अब इस पूरी सूरत हाल में एक नया मोड़ आया है और ये मोड़ इस सूरत हाल के बाद आया जब जहांगीर तरीन ने अपना एक बागी ग्रुप बनाया था और बागी ग्रुप बनाने के बाद ये तासुर दिया गया था कि अब जहांगीर तरीन के और तहरीक इंसाफ के रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो गए हैं और इस तरह की भी बातें सामने आई थीं कि अगर ऑपोजिशन कोई तहरीक अदम एतमाद लेके आती है उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तो तब भी जहांगीर तरीन उस तहरीक अदम एतमाद की हमायत करेंगी और जो अपोजिशन थी वो ये दावे भी कर रही थी कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद आती है तो फिर जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है, जो बागी ग्रुप था जो पंजाब में भी बनाया गया था और जो वफाक में भी बनाया गया था, ये बागी ग्रुप जो है ये इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में भी हमायत करेगा ऑपोजिशन की। ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी ने बड़ी कोशिश की थी कि जहांगीर तरीन को ऑन बोर्ड लिया जाए, पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से जहांगीर तरीन को कुछ पैगाम भी भिजवाए गए थे। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जहांगीर तरीन के मुतल्लिक बाद में पता ये चला कि असल में उन्होंने ये जो ग्रुप बनाया था उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि शहजाद अकबर और आज़म खान की जो लॉबी है उनके ख़िलाफ़ शुगर स्कैंडल के हवाले से इस लॉबी को काउंटर किया जाए और अपने लिए वो इंसाफ हासिल कर सकें एक दबाव की सूरत हाल बनाकर, वरना उनका कभी भी इस किस्म का इरादा नहीं था कि वो इमरान खान की हुकूमत के लिए या उस्मान बुज़दार की हुकूमत के लिए किसी किस्म की मुश्किल खड़ी करें। अब ये जो पूरी सिचुएशन थी, इसी पूरी सिचुएशन में हुआ ये कि एक बजट का इजलास आ गया और इस बजट के इजलास में बहुत ज़रूरी था कि जहांगीर तरीन का ग्रुप हुकूमत की हमायत करता ताकि वो बजट पास होता और जहांगीर तरीन ग्रुप ने उस बजट इजलास में हुकूमत की हमायत की, इस तरह से वो बजट मंजूर करवा लिया गया और सबसे अहम जो एक टेस्ट केस था वो था पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जिसमें इंतहाई अहम नौइयत की कानून साजी करनी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि उनकी कोशिश थी कि ये कानून साजी वो हर सूरत में करें और उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि जहांगीर तरीन का ग्रुप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत की हमायत करे। तो ये जो एक क्रिटिकल फेज़ था उस मरहले में भी जहांगीर तरीन ने यह फैसला किया कि उनका जो पूरा ग्रुप है वो इस कानून साजी के मामले में हुकूमत की हमायत करेगा और जब उस कानून साजी की हमायत की गई जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो दोनों तरफ बर्फ थी ये पिघलना शुरू हुई। उसके बाद कुछ लोग जो जहांगीर तरीन के हामी हैं वो भी और कुछ इमरान खान और जहांगीर तरीन के जो मुश्तरका दोस्त हैं
वो एक्टिव हुए और उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से जहांगीर तरीन की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो नाराज़ी है इसको दूर करवाया जाए। और इसमें दो मुश्तरका दोस्त ऐसे बताए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के और जहांगीर तरीन के कि जिन्होंने बड़े एग्रेसिवली कोशिश की कि किसी तरीके से अब ये दूरियाँ ख़त्म हों, क्योंकि जहांगीर तरीन की जानिब से दो पॉजिटिव सिग्नल जो हैं वो हुकूमत को दिए गए थे और बहुत ही नाजुक सूरत हाल में जहांगीर तरीन ने हुकूमत की मदद की। अब इसी पूरी सिचुएशन में जब ये पैगाम रसानी हो रही थी यानी बर्फ़ पिघलाने के लिए, तो जस्टिस वजीउद्दीन ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर इल्ज़ामात लगा दिए और ये कहा कि वो एक दयानतदार आदमी नहीं है। जहांगीर तरीन को कोट करके उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन जैसे लोग जो हैं वो 30 लाख रुपये माहाना बनी गाला का खर्च चलाने के लिए और वज़ीर आज़म इमरान खान को जब वो अपोजिशन में थे तो उस वक्त देते थे। अब ये ज़ाहिर है कि एक ऐसा बयान था जिसको अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा उछाला, इससे वज़ीर आज़म इमरान खान की जो साख है वो भी मुतासिर हो सकती थी और ये एक तासुर बन सकता था कि अच्छा तहरीके इंसाफ के अंदर से ही एक शख्स ये गवाही दे रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान किसी शख्स से यानी जहांगीर तरीन से 30 लाख रुपये माहाना या 50 लाख रुपये माहाना अपने खर्च के लिए या अपने अकाउंट्स में डलवाने के लिए लेते थे। तो इस पूरी सूरत हाल में जहांगीर तरीन ने लंदन से क्या एक जवाबी आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने ये कहा कि जस्टिस वजीउद्दीन का जो इल्ज़ाम है, मेरे जो इमरान खान से इस वक्त ताल्लुकात हैं वो अपनी जगह, यानी उनका तासुर ये था कि मेरे अब ताल्लुकात पहले जैसे नहीं हैं जिस तरह के मेरे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ ताल्लुकात थे, लेकिन वो ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन मैं ये बहुत वजाहत के साथ बता दूं कि मैंने कभी भी किसी भी महीने में 30 लाख रुपए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बनी गाला का खर्च चलाने के लिए नहीं दिए और इस हवाले से ये जो बात है मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। यानी जस्टिस वजीउद्दीन का जो बयान था उसकी उन्होंने मुकम्मल तौर पर नफी कर दी और लंदन से उन्होंने ये जवाब दिया। अब जाहिर है कि ये जब जवाब आया जहांगीर तरीन की जानिब से तो ये एक कुदरती सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए भी ये एक खुशगवार हैरत थी। इसी तरह तहरीक इंसाफ के अंदर जो जहांगीर तरीन की हामी लॉबी थी वो दोबारा से एक्टिव हो गई और इसने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दोबारा से कायल करने की कोशिश की कि देखें इससे पहले दो नाजुक जो मौके थे उस पर भी जहांगीर तरीन ने हुकूमत का साथ दिया और अब आपकी साख पर इतना बड़ा सवाल खड़ा करने की कोशिश की गई थी जस्टिस वजीउद्दीन की जानिब से, लेकिन इस पर भी जहांगीर तरीन ने अपने तमाम इख्तलाफात भुलाकर आपकी हमायत में एक बयान दिया और जो जस्टिस वजीउद्दीन के इल्ज़ाम थे उनको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। तो इस पूरी सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान को कायल करने की कोशिश की गई कि 2023 का जो इलेक्शन है इस इलेक्शन में जनूबी पंजाब से भी तहरीक इंसाफ को बड़े चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं और इन चैलेंजेस को आप ये कह सकते हैं कि निमटने के लिए इन चैलेंजेस से जहांगीर तरीन हमारे पास एक तुर्प का पत्ता है, इसलिए हमें चाहिए ये कि जहांगीर तरीन को हम नाराज़ ना करें बल्कि उनको दोबारा से ऑन बोर्ड ले लें। अब इसी पूरी सूरत हाल में जो ज़राए हैं जहांगीर तरीन के करीबी ज़राए उनका और जो जहांगीर तरीन की हामी लॉबी है वफाकी काबीना के अंदर उनके जो करीबी ज़राए हैं उनका कहना है कि अब वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान बर्फ पिघली है, दोनों जानिब से मस्बत इशारे भी आए हैं और दोनों जानिब के जो करीबी ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि 2023 के इलेक्शन से पहले जहांगीर तरीन दोबारा तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे, इस बात का कभी इम्कान मौजूद है और जनूबी पंजाब की सियासत के हवाले से जिस तरह उन्होंने पहले एक कलीदी किरदार अदा किया था तहरीक इंसाफ को इख्तदार में लाने के लिए, दोबारा वो इसी किस्म का किरदार निभाएंगे और इस किरदार को निभाने के लिए वो पूरी तरह तैयार भी हैं, अगरचे वो ताहयात खुद तो नाहल हैं लेकिन इस नाहली के बावजूद वो ये चाहते हैं कि वो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े रहें और तहरीक इंसाफ के लिए दोबारा से किरदार अदा कर सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।